अस्सलामुअलैकुम, मैं शमा असलम, आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल कॉपी क्लास में मैं आज डिस्कस करने लगी हूँ डाइजेशन एंड न्यूट्रिशन इन क्लास टर्टलेरिया। हम यहाँ पे स्पीशीज ले रहे हैं प्लेनेरिया को। डाइजेशन कैसे होती है और न्यूट्रिशन का बेसिकली किस तरह से मैकेनिज्म है जो कि क्लास टर्टलेरिया में पाया जाता है। कुछ मेरीन टर्टलेरियंस हैं जिनके पास डाइजेस्टिव कैविटी नहीं होती है। सम मरीन टर्टलेरियंस लैक द डाइजेस्टिव कैविटी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अदर टर्टलेरियंस। अब जिस तरह से ये रिप्रेजेंटेशन की हुई है, ये जो ब्लेंड, ये इसके अंदर क्या है, कोई भी डाइजेस्टिव कैविटी नहीं मौजूद। जबकि अगर आप लोग यहाँ पे देखें माइक्रोस्टोमीडिया में, द ब्लेंड कैविटी वेरियस फ्रॉम सिंपल टू अनब्रांच चैम्बर। ये कैसा चैम्बर है, अनब्रांच चैम्बर है। अब अनब्रांच जो है हाईली ब्रांच सिस्टम निकल आया है जो कि डाइजेस्टिव ट्यूब्स का सिस्टम है। किसका, डाइजेस्टिव ट्यूब्स का हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर हम लोग को नजर आ रहा है, लेसिथो एपिथीलिटा। और यहाँ पे भी देखिए ट्राइक्लिटा भी बन चुका है। बेसिकली ये क्या आ रहा है, ये सिंपल से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन हो रही है डाइजेस्टिव सिस्टम की। अब नेक्स्ट हम मजीद पढ़ते हैं इसके बारे में। बहुत ज़्यादा दूसरे टर्टलेरियंस हैं, उनके पास भी डाइजेस्टिव ट्रैक है, लेकिन वो किस फॉर्म में है, लोब्ड की फॉर्म में, जिस तरह से यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है। किस फॉर्म में है, लोब्ड की फॉर्म में है। फ्रॉम द एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव हाईली ब्रांच डाइजेस्टिव सिस्टम आर एडवांसमेंट दैट रिजल्ट मोर गैस्ट्रोडर्म्स क्लोज टू द साइट ऑफ डाइजेशन। अगर ज़्यादा से ज़्यादा गैस्ट्रोडर्म्स होगी तो उसके नतीजे में डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में क्या मिलेगी, मदद मिलेगी। जो रिड्यूसिंग द डिस्टेंट न्यूट्रिएंट मस्ट डिफ्यूज, क्लियर ये चीज़। अब इस तरह से डाइजेस्टिव ट्रैक स्ट्रक्चर है ना, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है लास्ट टर्टलेरियंस के लिए। और क्योंकि उसकी रीज़न ये होती है कि ये कंपनसेट कर देती है सर्कुलेटरी सिस्टम की भी अब्सेंस को, पार्शली कंपनसेट फॉर द एब्सेंस ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ये सिंपल से कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव जो है ना सिस्टम यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब मजीद मैं एक्सप्लेन करती हूँ इस चीज़ को कि जो ए वाली डायग्राम है इसके अंदर फेनेक्स नहीं मौजूद और ना ही कोई डाइजेस्टिव कैविटी है। इसके अंदर अगर बी वाली डायग्राम में देखेंगे तो सिंपल फेनेक्स और स्ट्रेट जो है ना डाइजेस्टिव कैविटी इसमें हम लोग को नजर आ रही है, सिंपल फेरनेक्स और सिट्रेट डाइजेस्टिव कैविटी। अगर ये थर्ड वाली आप लोग डायग्राम देखें तो इसके अंदर सिंपल फेरनेक्स है और अनब्रांच्ड डाइजेस्टिव कैविटी है। कैसी है, अनब्रांच्ड, जिसमें कोई भी ब्रांच नहीं मौजूद। अब नेक्स्ट ये ट्राइक्लेडिडा, इसमें अगर देखेंगे तो ब्रांच डाइजेस्टिव कैविटी हम लोग को नजर आ रही है। इसमें अनब्रांच डाइजेस्टिव कैविटी थी और इसमें कौन सी है, ब्रांच डाइजेस्टिव कैविटी। नेक्स्ट ये देखेंगे पॉलीक्लेडिडा में एक्सटेंसिवली ब्रांच डाइजेस्टिव कैविटी, जिसमें ब्रांचेस ऑलमोस्ट जो ना सारे के सारे बॉडी पार्ट्स तक पहुंच रही हैं। ये क्या है जी, ये बेसिकली ऑर्डर रिप्रेजेंटेशन है डाइजेस्टिव सिस्टम की इन क्लास टर्टलेरिया। डाइजेस्टिव सिस्टम इन सम ऑर्डर्स ऑफ क्लास टर्टलेरियंस। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं फेनेक्स के फंक्शन से रिलेटेड। अब जो टर्टलेरियंस है ना, फेनेक्स फंक्शन में इनजेस्टिव ऑर्गन का काम करना होता है। किस तरह का काम करना होता है, एज एन इनजेस्टिव ऑर्गन का काम करना है। ये इट वेरीज इन स्ट्रक्चर फ्रॉम सिंपल सीलिएटेड ट्यूब टू कॉम्प्लेक्स ऑर्गन। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि फेनेक्स मौजूद तो है लेकिन वो क्या है, उसको खास सिंपल फॉर्म में है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा कि उसके स्ट्रेट किसी के पास डाइजेस्टिव कैविटी है और किसी के पास जो है ना वो अनब्रांच डाइजेस्टिव कैविटी के साथ सिंपल फेनेक्स मौजूद है। बिल्कुल इस तरह हम लोग यहाँ पे इसको स्टडी करने लगे हैं कि अब जब भी फेनेक्स में क्या होना है, मौजूद होना है एक टर्टलेरियन। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो प्लेनेरिया टर्टलेरियन विद इट्स फेनेक्स, क्या है टर्टलेरिया के पास क्या मौजूद है, फेनेक्स मौजूद है जो कि निकल के आ रहा है एक्सटेंडिंग इन द फीडिंग पोजीशन। जो कहाँ से निकल रहा है, फीडिंग पोजीशन के लिए। अगर आप इस डायग्राम में देखते हैं तो रिट्रैक्ट कर ली गई है विद इन द फ्रेंजियल शीथ।
डी ट्रैक कहाँ कर ली गई है? फ्रिंजियल शीथ के अंदर। अब बहुत ज्यादा जो ट्रिबुलेरियंस है ना, जैसे कि अगर एग्जांपल लू प्लेनेरिया की, तो वो कार्निवोरस होते हैं। क्या होते हैं? कार्निवोरस होते हैं, या फिर उस खुराक लेते हैं छोटे छोटे इनवर्टिब्रेट से या फिर स्कैवेंजर से। ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो डेड एनिमल्स को एज अ फूड ले लें, या फिर हर्बीवोरस भी हो सकती हैं, या अल्जाई वगैरह भी खा सकती हैं। और अदर केसेस में वो क्या कर लेते हैं, रॉक से ना स्क्रैप कर लेते हैं एल्जी को। कुछ क्या होते हैं, कुछ इन्वर्टिब्रेट्स को खाते हैं, स्कैवेंजर्स होते हैं, डेड एनिमल्स को भी खा सकते हैं, हर्बीवोरस भी हैं, फीड ऑन एल्जाई डेट आर स्क्रैप फ्रॉम रॉक्स। अब जो सेंसरी सेल्स भी मौजूद होते हैं, क्या होते हैं, सेंसरी सेल्स मौजूद होते हैं कीमोरिसेप्टर्स होते हैं इनके हेड के ऊपर। क्या होते हैं? कीमोरिसेप्टर्स होते हैं इनके हेड के ऊपर, जो कि इस बात की निशानदेही करते हैं कि कुछ डिस्टेंस पे जो खुराक अवेलेबल है। जब इनको ये डिटेक्शन हो जाती है तो आसानी से ये जो है खुराक को हासिल कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ सेंसरी सेल्स कीमोरिसेप्टर से। अब फूड डाइजेशन होती है ना, वो पार्शली एक्स्ट्रा सेलुलर होती है। क्या होती है? एक्स्ट्रा सेलुलर, पार्शली एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होती है। फ्रेंजियल ग्लैंड्स, कौन सी ग्लैंड्स? फ्रेंजियल ग्लैंड्स ने सीक्रीट करना होता है इंजाइम्स को। जब फ्रेंजियल ग्लैंड्स इंजाइम्स को सीक्रीट कर लेते हैं तो वो खुराक को तोड़ देते हैं स्मॉल यूनिट्स के अंदर, ठीक है, और फिर आसानी से जो है ना फेरनेक्स जो है ना वो खुराक को मुंह की तरफ ले जाती है। अब डाइजेस्टिव कैविटी में क्या होता है, फैगोसाइटिक सेल्स जो है ना इंगल्फ कर लेते हैं छोटे खुराक के यूनिट्स को, और अब जो डाइजेशन कम्प्लीटेड होती है ना वो इंट्रा सेलुलर वेसिकल में डाइजेशन कम्प्लीट होती है। कहाँ भी डाइजेशन कम्प्लीट होती है? इन द केस ऑफ क्लास्ट्रिबुलेरिया इंट्रा सेलुलर वेसिकल में डाइजेशन कम्प्लीट होती है। अब नेक्स्ट बात करती हूँ एक्सचेंज विद द एनवायरनमेंट, किस तरह से क्लास्ट्रिबुलेरिया की जो स्पीशीज है ना वो इन्वायरमेंट के साथ एक्सचेंज करती हैं। बहुत ज़्यादा ट्रिबुलेरियंस ऐसे हैं जिनके पास रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स नहीं मौजूद, डू नॉट हैव रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स, ठीक है, और बहुत ज़्यादा ऐसे भी हैं जिन जो बॉडी वाल के जरिए दे फील की हेल्प से जो है ना वो गैसेस का एक्सचेंज कर लेते हैं। रिस्पिरेटरी गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है, उसको एक्सचेंज किया जाता है विद द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन थ्रू द बॉडी वॉल। बॉडी वॉल के जरिए डिफ्यूजन के प्रोसेस से जो है ना रिस्पिरेटरी गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को एक्सचेंज किया जाता है। बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिक जो है ना वेस्टिस जैसे कि अमोनिया है, उसको भी बॉडी वॉल के जरिए डिफ्यूजन के प्रोसेस से रिमूव कर दिया जाता है बॉडी से। नेक्स्ट बात करते हैं मरीन एनवायरनमेंट के केस में, बहुत ज़्यादा इनवर्टिब्रेट्स जिनके पास ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम है विद देयर एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के लिहाज से क्या है, ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम है बहुत ज़्यादा इनवर्टिब्रेट्स के पास मरीन एनवायरनमेंट के अंदर। कौन सा इक्विलिब्रियम है? ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम है। अगर हम फ्रेश वाटर इनवर्टिब्रेट्स की बात करें तो वो हाइपरटोनिक है टू द एक्वेटिक एनवायरनमेंट। एक्वेटिक एनवायरनमेंट के लिहाज से क्या है, फ्रेश वाटर इनवर्टिब्रेट्स वो हाइपरटोनिक है, टोनिक है। इस वजह से क्या होगा कि वो उनको ऑस्मोटिक कंसनट्रेशन को रेगुलेट करने के लिए कोई ना कोई मैकेनिज्म इस्तेमाल करना होगा। अब एक्वेटिक जो है ना फ्रेश वाटर इनवर्टिब्रेट्स ने क्या करना है, उन्होंने मस्ट रेगुलेट द ऑस्मोटिक कंसनट्रेशन ऑफ देयर बॉडी टिश्यूज। बॉडी टिश्यूज के साथ ऑस्मोटिक कंसनट्रेशन को ज़रूरी तौर पर जो है ना वो रेगुलेट करना है। अब ऑस्मो रेगुलेटरी जो स्ट्रक्चर की एवोल्यूशन है ना वो प्रोनेफ्रीडिया की फॉर्म में होती है, इसकी फॉर्म में होती है, प्रोनेफ्रीडिया की फॉर्म में होती है, जो कि इस काबिल कर लेती है ट्रिबुलेरियंस को कि वो फ्रेश वाटर में एग्जिस्ट कर सके, इनेबल ट्रिबुलेरियंस टू इनवाइड फ्रेश वाटर। अब प्रोटो नेफ्रीडिया, प्रोटो का मतलब है फर्स्ट, नेफ्रोन्स का मतलब है, नेफ्रीडिया का मतलब है इनकी नेफ्रोज इनकी किडनी, ये सबसे पहले जो है ना किडनी जो है ना इसने पाई गई है, प्रोटो नेफ्रीडिया फर्स्ट द प्रेजेंस ऑफ किडनी। प्रोटो नेफ्रीडिया क्या है जी, ये नेटवर्क है ट्यूब्यूल्स का, किसका नेटवर्क है, ये ट्यूब्यूल्स का नेटवर्क है।
जिसने ट्रिब्लेरियंस की सारी की सारी जो लेंथ है ना उसके अंदर मूव करना है। नेटवर्क है किसका? ट्यूब्यूल्स का, जिससे रन करना है थ्रू आउट दी वॉल ऑफ दी टर्बुलेरियंस अलोंग ईच ऑफ इट्स साइड्स। बहुत ज़्यादा जो ना न्यूमरस फाइन साइड ब्रांचेस निकल रही होती हैं ट्यूब्यूल से, जिनका जो ओरिजिन होता है ना वो पैरेन्काइमा है। कौन ओरिजिन है? पैरेन्काइमा है। उन्होंने टाइनी इनलार्जमेंट करनी है, जिसको हम लोग फ्लेम सेल्स का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? फ्लेम सेल्स का नाम देते हैं। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा न्यूमरस फाइन साइन ब्रांचेस जो है वो ट्यूब्यूल से निकलती हैं, जिनका जो ओरिजिन होता है वो पैरेन्काइमा होता है। अब ये जो ओरिजिन से निकले हुए जो है ना वो टाइनी इनलार्जमेंट है, जिनको हम लोग फ्लेम सेल्स का नाम देते हैं। फ्लेम सेल्स हम इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये ऐसे जानदार हैं जो कि कैंडल फ्लेम से रिलेटेड है। किससे मिलते जुलते होते हैं? कैंडल से। सो फ्लेम सेल्स सो नेम्ड बिकॉज इन द लिविंग ऑर्गेनाइजम्स दे रिजेंबल अ कैंडल फ्लेम। इनके पास बहुत ज़्यादा सीलिया मौजूद हैं। क्या है इनके पास? सीलिया। सीलिया फॉर्मिंग फ्लेम यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन की हुई है। ये फेनिस्ट्रेशन है, ये पाथ है किसका? फ्लूइड का पाथ है जो कि एरो से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये सेल्स हैं ट्यूब्यूल वॉल में, क्या है? सेल्स मौजूद हैं, ये न्यूक्लियस है। अब देखें फ्लेम सेल्स है ना, उसके पास क्या है? बहुत ज़्यादा सीलिया मौजूद है, जिन्होंने ट्यूब्यूल के ल्यूमन में लेके आना है। ट्यूब्यूल में क्या लेके आना है? ल्यूमन को लेके आना है। अब ये फेनिस्ट्रेशन जो नज़र आ रही है ना, ओपनिंग है बेसिकली, जो कि सुराख कर देती है ट्यूब्यूल की वाल के अंदर फ्लेम सेल्स के इर्द गिर्द। क्या कर देती है? फ्लेम सेल्स के इर्द गिर्द ट्यूब्यूल की वाल में जो है ना वो ओपनिंग कर देती है। अब सीलिया की बीटिंग से जो फ्लूइड है ना वो इजीली ट्यूब्यूल से नीचे डाउनवर्ड मूव करता है, जिसके नतीजे में ट्यूब्यूल में एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो जाता है, जिसके नतीजे में ना सराउंडिंग टिश्यू से जो फ्लूइड है ना वो सफ्ट कर लिया जाता है इन ओपनिंग के जरिए जो कि ट्यूब्यूल में मौजूद है। क्लियर? ये चीज़ें किस तरह से जो है ना वो ट्यूब्यूल के अंदर जो फ्लूइड लेके आया जाता है। रिपीट कर रही हूँ, सीलिया की बीटिंग से, ठीक है, सीलिया की बीटिंग से फ्लूइड क्या है ट्यूब्यूल में आ जाते हैं, जिसकी वजह से ट्यूब्यूल में एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है, जिसके नतीजे में सराउंडिंग टिश्यू से जो फ्लूइड है ना वो सख्त कर लिया जाता है इन फेनिस्ट्रेशन इन ओपनिंग के जरिए। अब ट्यूब्यूल जो है ना वो बाहर की तरफ जो है ना बॉडी वाल से मूव करती हैं एक छोटी सी ओपनिंग के जरिए, जिसको हम लोग निफ्रिडियो पोर का नाम देते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं नर्वस सिस्टम और सेंस ऑर्गन्स के बारे में, कि किस तरह से क्लास ट्रिब्लेरियंस में नर्वस सिस्टम और सेंस ऑर्गन्स पाए जाते हैं। प्रीमिटिव टाइप के जो फ्लैटफॉर्म्स है ना उनका जो नर्वस सिस्टम है ना वो क्या होता है जी? फाउंड इन वॉर्म्स इन द ऑर्डर ऑफ ए सिलोमा। ये देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ए सिलोमा का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, जो कि प्रीमिटिव टाइप के क्या है? फ्लैटफॉर्म्स है। अब इसके अंदर क्या है जी? इसके अंदर सब एपिडर्मल नर्व प्लेक्सिस है। क्या है? सब एपिडर्मल नर्व प्लेक्सिस है, जिसको यहाँ पे भी रिप्रेजेंट किया हुआ है। क्या है इसके अंदर? सब नर्वल एपी कम्प्लेक्सिस। अब इसका क्या काम है जी? इसने क्या करना है जी? ये दिस प्लेक्सिस रिजेंबल, ये जो प्लेक्सिस है वो मिल रही होती हैं नाइडेरियंस की नर्व नेट से। किससे मिल रही है? नाइडेरियंस की नर्व नेट से ये जो है ना वो प्लेक्सिस मिल रही हैं। इनके इंटीरियर के ऊपर जो है ना स्टेटोसाइट्स मौजूद हैं। क्या मौजूद है? स्टेटोसाइट्स मौजूद हैं। इसका फंक्शन ये है कि एज अ फंक्शन ऑफ मैकेनो रिसेप्टर्स, यानी कि इनके पास रिसेप्टर्स हैं जो कि एक्साइटेड होते हैं बाय द स्टिमुलस ऑफ प्रेशर। प्रेशर के स्टिमुलस से ये जो मैकेनो रिसेप्टर्स है ना इन्हें अपना फंक्शन परफॉर्म करना होता है, और क्या करना होता है? डिडक्ट कर देनी होती है बॉडी की पोजीशन को ग्रेविटी की डायरेक्शन के हवाले से। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, स्टेटोसाइट्स इन द इंटीरियर एंड, ये कहाँ मौजूद है? इंटीरियर एंड के ऊपर सेटोसाइट मौजूद है, जिनका फंक्शन, जिन्होंने कैसा फंक्शन परफॉर्म करना है? एज अ मैकेनो रिसेप्टर फंक्शन परफॉर्म करना है। अब जैसे ही इन्होंने एज ए मैकेनो रिसेप्टर जो है ना फंक्शन परफॉर्म करना है, तो इन्होंने ट्रिब्यूलिन की जो बॉडी पोजीशन है उसको डिडक्ट कर लेना है ग्रेविटी की डायरेक्शन के लिहाज से, इन रेफरेंस टू द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी इन द केस ऑफ ए सिलोम।
अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसके बारे में, पॉलीक्लैडिडा। अब इसके अंदर क्या जी, नर्व नेट जो है ना ट्यूबुलियंस के अंदर इन द ऑर्डर पॉलीक्लैडिडा सेरेब्रल गैंग्लिया मौजूद है। क्या मौजूद है इसके अंदर? सेरेब्रल गैंग्लिया मौजूद है और टू लेटरल नर्व कॉर्ड है। क्या है? दो जो है वो लेटरल नर्व कॉर्ड्स मौजूद हैं। सम देखिए ट्रिपलेरियंस के अंदर क्या मौजूद है? मोर सेंट्रलाइज्ड नर्व नेट हम लोग को नजर आ रहा है सेरेब्रल गैंग्लिया के साथ। किसके साथ? सेरेब्रल गैंग्लिया के साथ सेंट्रलाइज्ड नर्व नेट मौजूद है और टू लेटरल क्या मौजूद है? नर्व कॉर्ड्स मौजूद है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं कि जो नर्वस सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा ट्रिबिलियंस के अंदर, जैसे कि हम लोग को प्लानिडिया डिजुसिया में नजर आ रहा है, वो सब एपिडर्मल नर्व नेट के ऊपर मुश्तमिल है। कहाँ मुश्तमिल है? सब एपिडर्मल नर्व नेट के मौजूद और बहुत ज़्यादा जो है ना नर्व कॉर्ड्स के पेयर्स हैं। इसके पेयर्स हैं, नर्व कॉर्ड्स के पेयर्स नज़र आ रहे हैं। ये जो सेरेब्रल गैंग्लिया है ना, उसने क्या करना है जी, सेरेब्रल गैंग्लिया ने और नर्व कॉर्ड्स ने भी जो है ना वो थोड़े से कॉम्प्लेक्स जो है ना वो कोऑर्डिनेशन में हेल्प करनी है। लेटरल ब्रांचेस, कौन सी लेटरल ब्रांचेस? इसको हम लोग कमिश्रिस कहते हैं। इसका क्या काम है जी, कि बेसिकली पॉइंट्स ऑफ यूनियन है जिन्होंने कनेक्ट करना है नर्व कॉर्ड को। किसको कनेक्ट करना है? नर्व कॉर्ड को कनेक्ट करना है कमिश्रिस ने, जो कि पॉइंट्स ऑफ यूनियन है। नर्व कॉर्ड्स कौन? नर्व कॉर्ड और कमिश्रीज, इन्होंने लीडर लाइक स्ट्रक्चर बनाया। जैसे एक सीढ़ी का स्ट्रक्चर होता है ना, बेसिकली बिल्कुल हम लोग को इस तरह से इसकी अपेयरेंस नजर आ रही होती है ट्रिबुलेरियन नर्वस सिस्टम के अंदर, लैडर लाइक। न्यूरॉन्स जो है ना वो ऑर्गेनाइज होते हैं सेंसरीज में, इसमें सेंसरी में, मोटर में, और एसोसिएशन होती है इन दोनों की। न्यूरॉन्स आर ऑर्गेनाइज इनटू सेंसरी, ठीक है, जो कि प्रिमिटिव ब्रेन में भी मौजूद थे, मोटर एंड एसोसिएशन टाइप्स एंड इम्पोर्टेंट एवोल्यूशनरी एडवांस दैट रिस्पेक्ट टू द नर्वस सिस्टम। नर्वस टिश्यूज होते हैं ना वो कंसनट्रेट होते हैं इनटू अ पेयर ऑफ सेरेब्रल गैंग्लिया। सेरेब्रल गैंग्लिया के अंदर जो है नर्वस टिश्यूज क्या होते हैं? वो मौजूद होते हैं। ट्रिबुलेरियंस रिस्पोंड करते हैं बहुत ज़्यादा स्टिमुलाई से इन देयर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इनके जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होते हैं ना उस पे जो है ना बहुत ज़्यादा जो स्टिमुलाई ना वो रिस्पोंड करते हैं। बहुत ज़्यादा टेक्टाइल और सेंसरी सेल्स होते हैं ना इनकी बॉडी के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, जिन्होंने डिडक्ट करना होता है टच को, वाटर करंट्स को और केमिकल्स को। क्लियर है? ये मैं बात कर रही हूँ सेंस ऑर्गन के हवाले से, जो कि क्लास ट्रिबिलियन स्पीशीज में पाए जाते हैं। क्या है जी, इनकी जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जितने भी स्टिमुलाई मिल रहे होते हैं ना उनका आसानी से रिद्धिमल शो करते हैं। इनके पास सेंसेस सेल्स होते हैं जो इनकी सारी की सारी बॉडी के ऊपर क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। टच के जो रिसेप्टर्स होते हैं उन्होंने उस तरह के स्टिमुलाई रिस्पॉन्ड करना है। वाटर करंट्स के हवाले से डिफरेंट रिस्पॉन्स शो होते हैं और केमिकल के हवाले से भी डिफरेंट रिस्पॉन्स शो होता है। ये रिकल्स की बात करते हैं जो कि बेसिकली क्या है, सेंसरी लोब्स हैं। क्या है? सेंसरी लोब्स हैं जो कि हेड के साइड से निकलते हैं। कहाँ से निकलते हैं ये देखें, ये रिकल्स बेसिकली कहाँ से निकल रहे हैं? हेड की साइड से, जो कि यहाँ पे रिप्रेजेंट भी किया हुआ है। एरिकल्स क्या है? सेंसरी लोब्स हैं जो कि हेड की साइड से निकले हुए हैं। कीमोरिसेप्टर्स ने ऐड करनी है फूड की लोकेशन को। क्या करना है? ऐड करनी है फूड की लोकेशन। आर स्पेशली डेंस इन दीज एरिकल्स, जो कि इन एरिकल्स के अंदर डेंसिटी जो है ना वो मौजूद होती है। कीमोरिसेप्टर्स ने हेल्प करनी है फूड की लोकेशन में, जो कि इन यूरिकल्स के अंदर मौजूद होते हैं। अब बहुत ज़्यादा जो ट्रिबुलेरियंस है ना उनके पास टू सिंपल आई स्पोर्ट्स हैं। क्या है? दो सिंपल से क्या है, आई स्पोर्ट्स है जिनको ओसिनाई कहते हैं। ये ओसिनाई ओरिएंट करना है एनिमल्स को कि ये जो है ना लाइट की डायरेक्शन की तरफ ना अपनी बॉडी को मूव कर दें। लेकिन बहुत ज़्यादा ट्रिबुलेरियंस ऐसे हैं जो कि नेगेटिवली फोटोटैक्टिक है। क्या है? नेगेटिवली फोटो टेक्निक, हमेशा जो है ना लाइट से ना अवे ही मूव करते हैं। फोटो रिसेप्टर्स क्या है जी? फोटो रिसेप्टर्स ये नर्व एंडिंग्स हैं इन दी कब। कब में क्या है? फोटो रिसेप्टर नर्व एंडिंग है जो कि न्यूरॉन्स का पार्ट है और इन्होंने आई से निकल जाना होता है और कनेक्ट कर जाना होता है सेरेब्रल गैंग्लिया के साथ। किसके साथ कनेक्शन बना लेना है? सेरेब्रल गैंग्लिया के साथ।
हर जो ऑसिलेस है ना वो बेसिकली मुश्तमिल होता है कप लाइक डिप्रेशन के ऊपर, जिसके पास ब्लैक पिगमेंट है, जिसके पास क्या है ब्लैक पिगमेंट है। फोटोरिसेप्टर्स क्या है जी, ये नर्व एंडिंग है, कप के अंदर क्या है नर्व एंडिंग है, और ये किसका बेसिकली पार्ट है, ये न्यूरॉन्स का पार्ट है जिन्होंने आंख से निकल जाना होता है और कनेक्शन कर लेना होता है सेलुलर गैंग्लिया के साथ। ये था बेसिकली कि किस तरह से क्लास्टर ग्लैंड्स के अंदर डाइजेशन और न्यूट्रिशन होती है, और किस तरह से जो है ना वो डिफरेंट ऑर्डर्स है टर्बुलेंस के कि आहिस्ता आहिस्ता से किस तरह की जो है ना सिंपल से कॉम्प्लेक्स जो है ना वो डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेस्टिव कैविटी पाई गई क्लास्ट्रिब्रिया के अंदर। अगर तो वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा आज की जो वीडियो है आपको कैसी लगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।